दोस्तों, मैं निकिता, क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम है या फिर आपके फैमिली मेंबर्स में किसी को प्रॉब्लम है या आप किसी को जानते हैं उसको ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है और आप उसको ठीक करना चाहते हो तो प्लीज जल्दी से वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आज में आपके साथ एक ऐसी एक्सरसाइजेस ऐसे योगासन शेयर करने वाली हूँ जिससे करके आप अपनी गैस की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो साथ ही साथ मैं आपको एक बोनस टिप देने वाली जो कि वीडियो के लास्ट में होगी तो इसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा क्योंकि आधी अधूरी जानकारी किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें तो चलिए बढ़ते हैं उन आसनों की तरफ जो आपको करने हैं या फिर आपको किसी को बताने हैं जिसको आप जिनको आप उनकी गैस की प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हो तो बढ़ते हैं आगे लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है आपको मेरा हिस्सा बनना है मुझे आपका हिस्सा बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है पास ही में दिख रही छोटी सी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप लोगों का प्यार मुझ तक पहुंच सके तो सबसे पहले आसन के लिए आपको क्या करना है आपको लेट जाना है आप इस तरीके से लेट जाएंगे तीन से चार बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और फिर खाली करेंगे धीरे धीरे आपको क्या करना है अगर आप बिगनर हैं पहली बार कर रहे हैं तो अपने हाथों को इस तरीके से आप अपने हिप के नीचे रख लीजिए अपनी हल्का सा लोअर बैक के नीचे इस तरीके से पैरों का रखें और धीरे धीरे अपने एक पैर को लिफ्ट करें इस तरीके से यहाँ पे आपको होल्ड करना है और अगर आप बिगनर नहीं है आपको प्रैक्टिस है तो आप हाथों को साइड में भी रख सकते हैं और अपने एक पैर को लिफ्ट करेंगे इस तरीके से धीरे धीरे वापस दूसरे पैर से इसी तरीके से कम से कम पांच से दस सेकंड तक आपको एक साइड एक तरफ से होल्ड करना है और फिर धीरे से वापस थ्री फोर फाइव टाइम की कमी है टाइम कम है तो इसलिए मैं आपको कंटिन्यू करके दिखा रही हूँ लेकिन आप जब भी करें तो आपको ये होल्ड करके करना है जितनी देर आप जिस आसन में भी रुकेंगे होल्ड करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा बढ़ते हैं दूसरे आसन की तरफ इसमें आपको अपने दोनों पैरों को हल्के हल्के धीरे धीरे से लिफ्ट करना है अपने हाथों को साइड में रखिए और धीरे 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 ऊपर की तरफ डिग्री बाय डिग्री ये नहीं कि आप एकदम से पैरों को ऊपर ले आए और एकदम से नीचे नहीं धीरे धीरे लेके जाना है और हर आसन को जो हमने इससे पहले किया या जो हम आगे करने वाले हैं हर हर आसन में, हर आसन में में आपको कम से कम तीस सेकेंड से, से लेके एक मिनट तक रुकने की कोशिश करनी है और सभी के तीन राउंड कंप्लीट करने हैं धीरे 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 वापस धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएंगे थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री एंड नाइनटी डिग्री और धीरे धीरे इसी तरीके से वापस ले जाएंगे इसको भी आपको कम से कम दस बार करना है धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको टाइम को बढ़ा देना है बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ आपको इस तरीके से पैर को धीरे धीरे मोड़ना है अर्थ पवन मुक्त आसन फिंगर्स को इस तरीके से इंटरलॉक कर लेंगे अंगूठे को सॉरी अपने घुटने को अपनी पेट की तरफ लेकर आएंगे यानी कि जो आपका एबडमन एरिया है उसको आपको प्रेस करना है अच्छे से प्रेस कीजिए ताकि जो पेट की जो मसल्स हैं वो अच्छे से प्रेस हो सके अच्छे से एक्टिवेट हो सके और अगर आपको सर्वाइकल का या फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम नहीं है तो अपने नेक को धीरे धीरे लिफ्ट करेंगे सांस को छोड़ते हुए और अपनी नाक को अपनी नासिका को घुटने से लगाएंगे और यहीं पे आपको 10 सेकेंड होल्ड करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स वापस इसी तरीके से दूसरे पैर से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स रिलैक्स धीरे धीरे वापस इसको आपको दोनों साइड से कम से कम पांच से दस बार करना है और दस दस सेकेंड के लिए आपको होल्ड करना है ध्यान रखिए सर्वाइकल का इशू अपनी गर्दन बिल्कुल भी ना उठाए है। बढ़ते हैं दूसरे आसन की तरफ इसमें हम करेंगे पवन मुक्तासन अभी हमने अर्ध किया था यानी कि एक एक पैर से अब हम करेंगे दोनों पैरों से अपने दोनों पैरों को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से प्रेस करेंगे इसमें भी आप अपनी गर्दन को उठा लेंगे सर्वाइकल का इश्यू है तो अपनी गर्दन को बिल्कुल ना उठाए सांस को छोड़ते हुए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स रिलैक्स करेंगे इसको भी आप कम से कम पांच से दस बार करेंगे और इसको भी आप तीस सेकेंड से लेकर दस सेकेंड से लेकर से से ले एक मिनट तक होल्ड करने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करेंगे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा बढ़ते हमारे नेक्स्ट और लास्ट आसन की तरफ इसके लिए आपको क्या करना है अपने पैरों को इस तरीके से शिशु आसन अपने हाथों से अपने फिंगर से इंडेक्स फिंगर से अपने टो को इस तरीके से थम को पकड़ेंगे पैर के टो को और अपने लाएंगे और यहीं पे होल्ड करेंगे कम से कम दस सेकेंड के लिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स धीरे 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 रिलैक्स कर देंगे ध्यान रखिए अभी मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया लेकिन आप हर आसन के बाद हर एक राउंड के बाद हल्का सा ब्रेक जरूर लें हल्का सा विश्राम करें कम से कम दस सेकेंड के लिए हल्का हल्का अपने पैरों को इस तरीके से शेक कर लें ले, अप एंड डाउन ताकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से सर्कुलेट हो सके और यहीं पे होल्ड करिए और थोड़ी देर शवासन में आप जरूर लेटें कम से कम तीन से पांच मिनट तक शवासन का अभ्यास करें अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करें जो खिंचाव आपके शरीर में हुआ है उसको आराम दे और धीरे धीरे पैर को मोड़ते हुए साइड करवट लेते हुए बैठ जाइए तो आज की जो वीडियो थी आज का जो आसन थे वो यहीं तक थी जे जितने भी आसन है अगर आप इन्हें डेली करते हैं प्रतिदिन करते हैं तो आप अपनी गैस की समस्या से बहुत ही जल्दी छुटकारा पा सकते हैं साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा था कि जो मैं बोनस टिप बताने वाली हूँ बारी है उसकी बोनस टिप आपकी ये है कि जैसे कई लोग कहते हैं कि हम इतना खाते भी नहीं है तब भी हमारा पेट फूला रहता है कई लोगों की हैबिट होती है कि वो बहुत ही जल्दी हर आधे घंटे में एक घंटे में खाते रहते खाते रहते तो होता क्या है जब हम एक घंटे में खाते हैं तो जो हमारा पहले का खाना होता है वो पचता ही नहीं है इतने में आप दोबारा से खा लेते हो फिर इतने में फिर से खा लेते हो तो जो पहले वाला खाना अंदर है यानी कि वो उसकी प्रोसेस अभी हुई नहीं है डाइजेशन डाइजेस्ट अच्छे से हुआ ही नहीं है इंटेस्टाइन का जो वर्क है जो प्रोसेस है वो कंप्लीट ही नहीं हुई है उससे पहले ही आपने दूसरा जो अपना खान खाना है जो दूसरी मील है वो पेट में ले गए हो तो क्या होता है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और जिससे की वजह से आपको ब्लोटिंग कॉन्स्टिपेशन साथ ही साथ गैस की प्रॉब्लम होने लगती है और आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट जो है वो बहुत ही भारी हो चुका है तो हमेशा 50 परसेंट खाना खाइए यानी कि खाना खाइए उसके बाद 25% पानी के लिए जगह छोड़ी है और 25% वायु के लिए एयर के लिए जगह छोड़ी ताकि आपका जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके तो इस बात का आपको ध्यान रखना है खाने का ध्यान रखना है साथ ही साथ पानी का ध्यान रखना है अगर इन सारी चीजों को आप मेंटेन करके चलोगे साथ में जो आसन मैंने आपको बताए हैं इसको आपको डेली प्रैक्टिस करनी है क्योंकि जब भी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी आपको वीडियो कैसी लगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए अगर आप लाइक करोगे तभी मुझे पता लगेगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई है या नहीं आई है और शेयर कर दीजिए उन सभी लोगों के साथ जो अपनी गैस की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान है मिलती हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक स्टे बाय बाय